नरकुल इस्माइल इस्माइलपुर सांबा के द्वारा पॉइंट देकर सम्मान करें, स्वागत करें श्री दिनेंद्र वर्मा से। इटालियन अधिकारीगण, मीडिया से आए सभी बंधुगण, खिलाड़ी, नई दिल्ली के दिशा निर्देशों की अनुपालना में सिविक एक्शन कार्यक्रम 2000 सिपाही जगदीश सिंह का जन्म 1 अप्रैल 1949 को ग्राम रैया थाने द्वारा स्पोर्ट के 6 टीमों को वितरण किया जा चुका है। अभी 2 टीमों को पुलिस उप महानिरीक्षक जम्मू रेंज से मैं अनुरोध करता हूँ कि सभी प्रतिभागियों को अभी सभी खिलाड़ियों से अनुरोध है कि जिनके पास अभी स्पोर्ट्स केस दिया गया है बहुत जोर से मारने की कोशिश, सिर्फ के ऊपर से पीछे की ओर चली गई। जो कि 38 बटालियन के सांबा डिस्ट्रिक्ट से पहले शहीद, पंजाब में आतंकवाद से लड़ते हुए वर्ष 1988 में हुए थे, उन्हीं की स्मृति में ये क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है। आप सभी का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम कराया जा रहा है उसके तहत ये क्रिकेट टूर्नामेंट आप सबके बीच में एक नया उत्साह और ऊर्जा लेकर के आएगा। और जैसा हम जानते हैं कि खेलों द्वारा शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ साथ मस्तिष्क का भी विकास होता है। और पहले ये कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो अभी ये जो कहावत है वो अभी चरितार्थ नहीं होती है, क्योंकि खेल जो है वो हमें विश्व स्तर पर पहुंचाते हैं। जब हम इनमें प्रतिस्पर्धा करते हैं और खेल की भावना से खेलते हैं तो हमारे अंदर अनेक गुण इसमें व्याप्त होते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं खेलों से, जैसे कि अनुशासन, टीम भावना, उसके साथ साथ सकारात्मक प्रतिस्पर्धा। और खेलों के द्वारा हमें बहुत अच्छे तरीके से इवेंट मैनेजमेंट करना, मैन मैनेजमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट करना भी सिखाया जाता है। और मैं ये मानता हूँ कि आज के इस युग में खेल खेलने से हमारा सर्वांगीण विकास होता है, और इसके साथ साथ हम अपने जीवन में जो तनाव पैदा होता है उससे भी मुक्ति पाते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप पूरे खेल भावना के साथ, टीम भावना के साथ इस क्रिकेट टूर्नामेंट में अपनी प्रतिस्पर्धा करें। और एक और गुण जो कि विशेषता है, मैं मानता हूँ कि हमें अपने अंदर में आत्मसात करना चाहिए, वो है सराहना करना। और खेलों से हमें सराहना करने की जो भावना है वो भी पैदा होती है। यदि कोई अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा शॉट खेलता है, अच्छी फील्डिंग करता है, तो हम लोग उसका उत्साहवर्धन करते हैं। और यही भावना हमें जीवन में व्याप्त करनी चाहिए कि जब भी कोई अच्छा कार्य किसी को करते हुए देखे तो उसकी सराहना अवश्य करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः
यहाँ पर उपस्थित होने और खेल को खेल की भावना से खेलने के लिए आपको बधाई देता हूँ। और 38 बटालियन द्वारा ये जो आयोजन किया जा रहा है उसके कमांडेंट महोदय श्री धीरेन्द्र वर्मा और उनकी पूरी टीम और यहाँ पर उपस्थित जो गणमान्य अतिथि हैं उन सबका भी पुनः शुक्रिया अदा करता हूँ। और 38 बटालियन द्वारा भदौरी स्कूल के मैदान में किए जा रहे शहीद सिपाही जगदीश सिंह की स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 का विधिवत शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।